हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी का भुजिया। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। आप भिंडी खरीदते समय हमेशा चेक कर लें, भिंडी एकदम नरम होनी चाहिए। तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम डंठल को हटा देंगे और पतला पतला काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा भिंडी काट लिया है। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका से बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाही लिया है। कढ़ाही को गर्म करेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। कढ़ाही गर्म हो चुका है, अब डालेंगे मेथी के दाने या पचफोरन। अब डालेंगे हरा मिर्च, थोड़ी देर भुनेंगे। अब डाल देंगे इसमें भिंडी। इसे हम मिला देंगे अच्छी तरह से और इसे हम ढक के पकाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं और अच्छी तरह मिला देते हैं। यहाँ पे अब नमक डाल के पकाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे। ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए, भिंडी थोड़ा सा पक चुका है। अब डालेंगे हल्दी पाउडर और मिला देंगे। यहाँ पे हम फिर से ढक के पकाएंगे। यहाँ पे देखिए, भिंडी बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पे हम और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा भिंडी बन के बिल्कुल तैयार है अच्छी तरह से। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे आप रोटी, चावल, दाल, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।